अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। इट्स मी सबा दानिश। और जनाब, आज मैं करने लगी हूँ क्योने का आयरन, जो सेरेमिक आयरन है उसका रिव्यू। सो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं ना, उनकी ये शिकायत होती है कि भाई हम आयरन करते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में जो है बालों में वापस से बम फट जाता है, बॉम ब्लास्ट हो जाता है, जैसे हमारे बाल थे वैसे ही हो जाते हैं। तो क्या वजह है? तो जी, वजह ये है कि आप जो है आयरन सेरेमिक नहीं यूज़ करते हैं। तो सेरेमिक आयरन क्या होता है, मैं आप लोगों को अभी फुल डिटेल से बताऊंगी। और इनमें सबसे बेस्ट जो ब्रांड है वो क्योने का है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जब इसके अनबॉक्सिंग की तो इसके अंदर जो है टिश्यू लगा हुआ है इसकी प्लेट्स पे। तो इसकी ये वजह है कि जब भी आप शॉप से परचेज़ करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसको चेक ज़रूर करें। तो ये भी मैंने आयरन चेक करके लिया था, तो उस वक्त जो है इसके प्लेट्स गर्म थे, तो इसलिए मैंने इसमें टिश्यू रैप करके और फिर बॉक्स में रखवा दिया था। अच्छा जी, इसके साथ जो है एक इंस्ट्रक्शन की बुकलेट आती है और एक इस तरह का पाउच आता है जो ट्रैवल फ्रेंडली होता है। आपने अगर स्ट्रेटनर को कहीं लेकर जाना है तो आप इस पाउच में रख के ले जाते हैं, बजाय इसके कि आप इतना बड़ा सा बॉक्स रख कर जाएँ। तो ये जो है पाउच बहुत अच्छा और अच्छा प्रोटेक्शन वाला है। सो ये है हमारा आयरन का फाइनल लुक। और ये होती हैं सिरेमिक प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स आप लोग देख लें किस तरह की होती हैं। और ये पूरा ऊपर से इसका डिजिटल इस तरह का लोकेशन बना हुआ है। यहाँ ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ प्लस माइनस का जो आप बटन एक साइड पे देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह ये ऑन होगा, इस तरह ये ऑफ। और प्लस माइनस का जो बटन है, प्लस के बटन से इसकी जो टेम्परेचर है उसको हम हाई करेंगे और लो करेंगे हम माइनस के बटन से। और ये देखें, इसकी अच्छी बात जो है ना, सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसका जो तार है वो इतना बड़ा, इसका वायर दिया हुआ है इतना मोटा, और इसका जो सॉकेट है वो देखें इस तरह का प्लग है। सो इजीली किसी भी सॉकेट में इसको हम लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर साइड में एक बटन दिया हुआ है लॉक का, ये देखें। मैं इस तरह से इसको प्रेस करूँगी तो ये जो है दोनों प्लेट्स आपस में इस तरह से बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट तरफ जो है इसके अपोजिट तरफ अनलॉक का बटन दिया हुआ है, सो उसको जब प्रेस करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना है हमें, तो ये देखिए इस तरह से लॉक भी हो जाएगा और अनलॉक भी हो जाएगा। इसकी बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अब यूज़ करके देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। सो अब मैं इसको करने लगी हूँ प्लग, और यहाँ से मैंने कर दिया ऑन। और ये देखिए 130 से ये स्टार्ट है और ये बहुत इंस्टेंटली जो है हीटअप हो जाता है। इसको हीटअप होने के लिए देर नहीं, वेट नहीं करना पड़ता हमें। और यहाँ से देखिए, मैं इसके पावर को इंक्रीज़ कर रही हूँ और इसका फुल पावर कितना है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। सो 230 इसका जो है फुल पावर है, इससे ऊपर ये नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए जो है गुड इनफ है 200। यहाँ देखिए 500 लग रहा है फ्रंट कैमरा में यूज़ कर रही हूँ इसलिए आप लोग को 500 लग रहा है, लेकिन मैं 200 सेंटीग्रेड पर ही इसको यूज़ करूँगी क्योंकि 200 पर ही इसके रिजल्ट्स आप लोग देखेगा, इतने औसम है। सो इसकी जो प्लेट्स हैं सेरेमिक प्लेट्स हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे जो है डैमेजेस ज़रा हमारे बालों पे कम होते हैं, और इससे जो है हमारे बालों में स्ट्रेट होने के साथ साथ एक शाइन भी आता है। आप लोग देख लें कितने ज़बरदस्त, वाओ, एक दफ़ा में ही स्ट्रेट हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के डेडली स्ट्रेट हो गए हैं। और आप शाइन तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि मैंने कोई भी सिरम वगैरह अपने हेयर्स पे अप्लाई नहीं किया है, बस डायरेक्टली मैं जो है आयरन कर रही हूँ और शाइन खुद ब खुद आ रहा है। सो ये शाइन जो है इस सेरेमिक प्लेट्स की वजह से ही आता है। इन प्लेट्स का यही फ़ायदा होता है कि बाल जो है आयरन होने के साथ साथ स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। और यकीन जाने ये नेक्स्ट डे, थर्ड डे, 2 से 3 दिन तक हमारे बाल जो हैं स्ट्रेट ही रहते हैं। सेरेमिक स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने की वजह से हमारे बाल 2-3 दिन तक स्ट्रेट ही रहते हैं। बस ये है कि आप लोगों ने पसीना या पानी ना लगाएं तो हमारे बाल जो हैं स्ट्रेट ही रहेंगे। आम स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने का ये होता है कि 1 घंटे आधा घंटे तक स्ट्रेट रहते हैं, वापस से फिर वो जो है ना अपनी असल हालत में आ जाते हैं। लेकिन सेरेमिक स्ट्रेटनर से ये फ़ायदा होता है कि हमारे बाल जो हैं 2-3 दिन तक अच्छे स्ट्रेट रहते हैं और साथ साथ सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है और रिबॉन्डिंग वगैरह में यही वाला स्ट्रेटनर यूज़ होता है। इस ही की वजह से जो है रिबॉन्डिंग वाले जो हेयर्स हैं वो डेडली
स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं वो सिरेमिक स्ट्रेटनर ही यूज़ करते हैं। सो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को स्ट्रेटनर यूज़ करने का शौक है या आप लोग करते हैं तो आप लोग भी सिरेमिक ही यूज़ करें। और सब ब्रांड्स में सबसे अच्छी ब्रांड क्यों नहीं लगता है मुझे, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मेरा पिछला वाला ख़राब हो गया, 6-7 साल मैंने उसको यूज़ किया है और वो ख़राब इसलिए हो गया कि मेरे बच्चों ने उसको फेंक दिया था तो टूट गया। और यहाँ देखिए मेरे बालों की कंडीशन कितनी ज़बरदस्त हो गई है, स्ट्रेट हो गए। और ये देखें पिछले बाल मेरे किस तरह के कर्ली और फटे फटे से बाल हैं, और आप लोगों के सामने मैंने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया तो वो कितने ज़बरदस्त हो गए। अब मैंने बोला भाई चले भाई वीडियो वीडियो हो गए, अब बाल समेट लिए जाएँ, क्योंकि मुझे जस्ट आप लोगों को ट्रायल दिखाना था। मैंने पूरे बाल स्ट्रेट नहीं किए थे, तो बस मुझे एक डेमो देना था आप लोगों को, इसलिए मैंने अपने छोटे से बालों के स्टाइल लेके आपको आयरन करके दिखा दिया। अब जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको आप लोगों ने सेव किस तरह रख के रखना है। ये इस तरह से आप लोगों ने जो है इसका तार फोल्ड कर देना है। सबसे पहले तो मेक श्योर कर लें कि आपका आयरन ठंडा हो गया है, गर्म गर्म कभी भी आप लोगों ने आयरन को नहीं रखना है, थोड़ी देर ठंडा करके छोड़ दें। अच्छा जी, इसके साथ जो हमें वायर दिया हुआ था उसको ही इस पर रैप करके इस तरह से मोड़ेंगे तो वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको रैप कर दिया और हमने जो है टिशू को इसकी जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर इस तरह से दोनों पर अलग अलग से टिशू को रैप कर लेना है, क्योंकि इसकी जो प्लेट्स हैं उसकी एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। और कोशिश ये करें कि ये जो आयरन है नीचे ना गिरे, मेरे बच्चों ने गिरा दिया था इसीलिए ख़राब हो गया था। बस ये गिरा है ना तो ये बहुत टाइम चलता है। और इस तरह से देखिए मैंने इसको लॉक कर दिया, और उसके साथ जो पाउच दिया हुआ है उसके पाउच में जो है मैं इस तरह से इसको सेव करके रख दूँगी। और तो ये जो है ट्रैवल फ्रेंडली भी हो जाएगा, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आप चाहें तो इस पाउच के अंदर रख के और इसको जो है आप इसके जो बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर भी रख सकते हैं, और नहीं तो आपके पास स्पेस का इशू है तो आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बुकलेट दी हुई थी उसको मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों से शेयर करूँगी, पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसके अंदर जो प्लास्टिक का एक कवर था वो फेंक दें, वो किसी काम का नहीं है। सो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो और आज का ट्रायल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। और ये थी इसकी बुकलेट, इसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कुछ भी आप लोगों को अगर पूछना हो या कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप लोग कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो इन्जॉय कीजिए बुकलेट को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।